अस्सलाम वालेकुम। इस टॉपिक में हम सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा लोगों फेस करते हैं। वो ये है कि आपकी वेबसाइट के पेजेस इंडेक्स नहीं होते। तो ये मैंने 6 रीजंस मेंशन किए हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर 99.9% पेजेस या वेबसाइट्स इंडेक्स नहीं होती। तो सबसे पहले नो इंडेक्स्ड इन WP सेटिंग्स, ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ होती है। ये ऑप्शन कुछ लोग जो बिगिनर्स लेवल के होते हैं, जो जिन्हें इतना ज़्यादा पता नहीं होता वर्डप्रेस के बारे में, वो इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपकी सारी वेबसाइट को नो इंडेक्स कर देता है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स नहीं होती। तो आपने इसे अनचेक रहने देना है। अगर ये चेक हुआ है तो इसे अनचेक कर दें। उसके बाद सेकंड, डी इंडेक्स्ड इन गूगल रिमूवल टूल। जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न मैंने देखा है वो ये है कि कुछ लोग जो हैं वो सर्च कंसोल में अपनी मेन होम पेज को डी इंडेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी सारी वेबसाइट डी इंडेक्स हो जाती है। या कुछ URLs अगर आपका इंडेक्स नहीं हो रहा तो आपने दूसरे नंबर पे ये चेक करना है कि वो गूगल रिमूवल टूल जो है उसके अंदर से वो रिमूव तो नहीं हुआ हुआ। अगर ये जिस तरह ये रिमूव्ड है, अगर रिमूव्ड है तो आप री इंक्लूड पर क्लिक करेंगे तो वो दोबारा इंडेक्स हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि कुछ लोग योस्ट की सेटिंग में से पेज को नो इंडेक्स कर देते हैं। तो वो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। उस पेज पे जाएं, फॉर एग्जांपल होम पेज, एडवांस, और ये देखें ये ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट में ये यस होता है। अगर आपसे गलती से या ये पहले ही नो हुआ हुआ है तो आपने इसे यस कर देना है। एंड शुड सर्च इंजन फॉलो लिंक्स ऑन दिस पेज, इसको भी यस कर देना है। ये तीसरी गलती। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे है वो आपने ये चेक करना है कि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स्ड हो। आपने search.google.com/search console में जाना है और यहाँ पे डोमेन देखनी है अपनी, तो ये वेरीफाइड होनी चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ जाना है साइट मैप्स में और आपने मेक श्योर करना है कि आपका साइट मैप इंडेक्स्ड हो, एडिड हो। और जैसा कि ये देखें इस वेबसाइट का साइट मैप नहीं है तो ये एडिट होना चाहिए और इसको क्रॉलिंग में कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो पांचवा सबसे बड़ा इशू है वो है कॉपीड कंटेंट का। अगर आपके पेज का कंटेंट कॉपीड है, आपने कुछ लाइंस वगैरह कॉपी की हैं दूसरे पेजेस से, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी ना इंडेक्स हो रहा हो। उसके बाद जो छठा सबसे बड़ा रीज़न है वो है थिन कंटेंट का। अगर आपके पेज पे 100 वर्ड्स हैं या 150 वर्ड्स हैं तो इस वजह से भी हो सकता है कि आपका पेज ना इंडेक्स हो। और सातवां जो रीज़न पहले होता था वो कभी कभी गलती से कुछ लोग reports.txt में अपनी वेबसाइट को ब्लॉक कर देते थे, लेकिन गूगल ने अब reports.txt का वो फीचर ख़त्म कर दिया नो इंडेक्स वाला, तो इस वजह से अब वो मैटर नहीं करता। तो ये 6 सबसे बड़े रीज़न्स हैं। उसके बाद अगर अगर आपका फिर भी इंडेक्स नहीं हो रहा तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने जो आपके वेब पेज हैं उनको आप सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें, वेबसाइट्स के ऊपर, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और रेडिट के ऊपर। उसके बाद आप
इंस्पेक्ट यूआरएल में जाके यहाँ पे मैन्युअली रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसके इंडेक्स की। यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो वो इंडेक्स हो जाएगा अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो। तो उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और ट्यूटोरियल देखने के लिए सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ट्यूटोरियल्स। हैव नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।